फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो भाई लोग, आज का प्लान सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सब साइट का जायजा लेना है, जो भी है कंस्ट्रक्शन अभी प्रोग्रेस में है, सब वही जाना है, चेक करना है क्या कैसे चल रहा है। आज हम लोग घूमेंगे गांव में, और आज कम से कम दो या तीन साइट का जायजा लेंगे। दो नहीं, एक ना? नहीं, दो और साइट, वो जो बन रहा है पानी का टंकी, हाँ, उस पर क्या कहते हैं कि चढ़कर पूरा ऊपर का, अगर को परमिशन का, वैसे हम ही लोग हैं, अगर होगा मतलब अंकल जी देंगे तो तैयार होगा, तो चढ़ के ऊपर से आपको दिखाएंगे, तगड़ा तगड़ा आपको सीन दिखाएंगे, वो भी विलेज साइड का। तो मिलते हैं आपको साइड, मिर्जापुर का मिलते हैं आपको साइड पर। हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, रास्ते में हम लोग सोचे बोर हो रहे, थोड़ा लंबा रास्ता है, तो हम लोग कहे थोड़ा वार्तालाप आप लोग से बात कर ले। भाई लोग, ये जहां हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये योगी जी की एक योजना है, गांव गांव पानी पहुंचाने, हर घर गांव हर घर में नल वाला योजना, मतलब जल कल नहीं, उसी तरह सेम जैसे। तो इसमें क्या होगा, हर गाँव में एक ओवरहेड टैंक बनेगा, जिससे हर गाँव के हर आदमी को मुफ्त में, मतलब वो वाटर कनेक्शन मिलेगा, और खेती के, हाँ, फार्मिंग के लिए भी हेल्प मिलेगा, किसी को दूर दूर तक मतलब पानी लाने ना जाना हो। समझ सकते हैं, पहले जैसे गांव में होता था कि लोग पानी ढोते थे, लेकिन अब तो घर घर पानी। ये हमारा जो जल निगम है उसके अंडर में आता है, तो हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ते में ही है। तो हम तो सोचे बस आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दें, तो मिलते हैं आपको टंकी। हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन पे आ चुके हैं, यहाँ पे पानी की टंकी, मतलब साइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे पानी की टंकी बन रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे अभी नए काबिल छोटे से सिविल इंजीनियर जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भाई बीटेक वाले भाई बताएंगे। बताइए भाई। तो भाई लोग, हम लोग आ गए अपने साइट पे। दो मतलब जो होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो इसके बाद ये हो जाएगा, तो वॉल ढलेगा, वॉल के बाद ऊपर मतलब टॉप ढलेगा, उसके बाद ये टंकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसमें। तो भाई कितना पैसा बचा रहे हो इसमें? अब पैसा नहीं, ये देखो ऐसा है, ये प्राइवेट कंपनी का काम है, डायरेक्ट अगर हम लोग गवर्नमेंट से लिए होते इसमें काफ़ी पैसा बचता, लेकिन अब पैसे वाली बात ही नहीं करें, क्योंकि प्राइवेट काम है ना, इसमें जो भी ले जाए। भाई अपना थोड़ा मोटा रकम छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। ऐसा है, इसमें मेन प्लेयर है प्राइवेट कंपनी, भाई साहब हम लोग केवल भारतीय जुगाड़ हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये ट्रैक्टर से पुलिंग किया जा रहा है, और उधर पे क्या इसको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर जा रहा है पुली कहते हैं, पुली, इसमें वो सीमेंट कंक्रीट भरा गया है, जिससे ऊपर पूरी उसकी जो भी बनावट होगी बने, क्या ये जो है डोम डाल रहा है, हाँ, तो डोम के लिए ऊपर कौन। भाई साहब, हमारे शशांक ने जैसा कि सब कुछ बता ही दिया होगा इसके बारे में, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक है जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक इसी के बगल वाले गांव में एक और मतलब ओवरहेड टैंक है, वो हम लोगों ने मतलब 90% क्या, हाँ, कंप्लीट हो गया, उसमें बस लास्ट वही जो रेलिंग और पेंट वेंट होता है, मतलब वही सब बचा हुआ है। तो भाई हम लोग अगर देखेंगे, अगर मतलब सेफ्टी के साथ पूरा टंकी पे चढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे, अगर रेलिंग होगा तो। तो भाई चलते हैं उस वाली टंकी पे, आपको दिखाते हैं पूरा गांव का सीन तगड़ा। ये जो भी बन रहा है कुरकुटिया साइड बन रहा है, मिर्ज़ापुर में तो हम लोग हैं, ये कुरकुटिया गांव में हम लोग हैं, यहीं पर दो टंकी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो एक को कम्प्लीट हो चुकी है, ये वाली तो अभी अंडर में है, तो यहाँ से चलते हैं, वो जो बनी हुई पूरी। लोग उस जगह पे आ चुके हैं जो वाला की बन के एकदम टंकी बन के खड़ा हो चुका है, 10% बचा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं ये एकदम पूरा बना हुआ, ये देखिए एकदम बन के 10% काम ये बचा हुआ है, कि क्योंकि गांव के बच्चे थोड़े से होते हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं, इधर उधर खुराफाती चढ़ जाएंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर इसलिए वहां से देख रहे होंगे, वहां लास्ट तक ऊपर तक सीढ़ी, पूरी सीढ़ी नहीं ऊपर तक कनेक्ट नहीं किए ऊपर के लिए, क्योंकि अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो बच्चे लोग ऊपर चढ़ेंगे और उससे दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हम लोग भी टॉप पे नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि पूरा सीढ़ी बना ही नहीं है, लेकिन कुछ हम लोग से इन्फ्लुएंस हो के अगर चढ़ गए तो हम लोग के ऊपर वो आ जाएगा, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। तो बाकी यही है, इसमें बस काम ये बचा, रेलिंग लगना है, सीढ़ी पूरी ऊपर तक बननी है, पेंट होगा।
तो जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग थोड़ा अपना व्यू दे देते हैं, व्यू दे देते हैं हम लोग थोड़ा मजा मस्त। था तो शशांक भाई आया है गाड़ी से लेने हम लोग को, क्योंकि बाइक अंकल जी लेके चले गए, उनको खाना खाना था। तो अब देख सकते हैं भाई अभी भी काम कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ था अभी? हुआ नहीं, एक दिन में बंद तैयार हो जाएगा। नहीं, अभी डोम ढल रहा है, डोम ढला हुआ था, ढल गया, अब आधा कल होगा, मतलब है तो बहुत दिन का प्रोसेस। तो रात तो हो ही गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो वीडियो यहीं से हमारी खत्म होती है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और फैला दीजिए। बाय 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 बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फैला दीजिए। बाय 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 बाय।